में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज देखते हैं कि नवजात बच्चों की कैसे होती है ग्रेजुएशन सेरेमनी। अभी तक आपने डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी होते हुए देखी होगी, लेकिन अमेरिका में ये सेरेमनी नवजात बच्चों की होती है। इसी तरह अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए लोग न जाने क्या क्या तैयारी करते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, उन्हें भनक भी नहीं होती इस बारे में। अमेरिका के एक अस्पताल में नवजात बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के कैरामोंट रीजनल मेडिकल सेंटर में प्रीमैच्योर बच्चे जब इंटेंसिव केयर से बाहर आते हैं तब उनके लिए सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है। प्रीमैच्योर बच्चों की जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए लगातार ऐसे समारोह आयोजित किए जाते हैं। जब ये नवजात शिशु नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर आते हैं तब उन्हें ग्रेजुएशन कैप और पोर्ट्रेट दिए जाते हैं। इसकी सेरेमनी की शुरुआत एक नर्स ने 29 हफ्ते में पैदा हुए बच्चे के साथ समय बिताने के बाद की थी। जब ये बच्चा डिस्चार्ज हुआ तब अस्पताल के लोगों ने इकट्ठा होकर नाच गाना किया और उसे ग्रेजुएशन कैप दी। ये देखकर उस बच्चे के माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। NICU में रहना जितना डराने वाला अनुभव है, वहां से बाहर निकलना उतना ही सुखद है। इसलिए बच्चों के माता पिता को नॉर्मल फील कराने के लिए ऐसा किया जाता है।